हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनीस। और देखिए, मैंने कुछ गार्डन के लिए, समर गार्डन के लिए कुछ जो है शॉपिंग की है। सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ ये एक नंबर वाला जो है रूटिंग हार्मोन लिया है। और अगर आप देखेंगे तो जो ये एक नंबर वाला है, ये हमारा यूज होता है सॉफ्टवुड कटिंग्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम रोजेज लगा रहे हैं या फिर जो कुछ विंका वगैरह जो हम कटिंग से लगाते हैं, बहुत सारे प्लांट है जो कटिंग से लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैं एक नंबर कटिंग लेकर के आया हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, मेरे पास दो नंबर और तीन नंबर भी है, एक नंबर नहीं था, तो एक नंबर मैं रखूँगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये देखिए, हमने विंका के मिक्स सीड लिए हैं। इसमें देखिए कई कलर के, उसने बताया कि इसमें तकरीबन 10 से 12 कलर के हैं। मैंने कहा ठीक है, और दोस्तों ये मुझे मिला 30 रुपीज़ का। और दोस्तों हम देखते हैं, तो देखिए हमने जिनिया ये रेड कलर का लिया है, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़े बड़े साइज डहलिया, देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो बड़े साइज वाला होता है, बिल्कुल जो भर करके जो बड़ा सा आता है, आप फ्लावर में भी देख सकते हैं, बिल्कुल बड़ा सा आता है, इसका फ्लावर बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों मैंने इसको इसको लिया है। इसमें भी काफ़ी सारे सीड्स हैं, देखिए इसमें अगर आप पीछे साइड देखेंगे तो इसमें देखिए, इन्होंने पूरा देखिए लेबल बना रखा है कि प्राइस इसकी जो है 40 रुपीज़ है, और डेट ऑफ टेस्टिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, और जो है ये देखिए ग्रोइंग इंस्ट्रक्शंस भी लिखा हुआ है कि आपको कैसे से क्या यूज करना है, क्या कैसे सोइंग। देखिए आप सोइंग सीजन देखेंगे तो फरवरी टू मई, ब्लूमिंग पीरियड अप्रैल टू जून। ठीक है, तो अभी यह टाइम आपके आपका आ गया है, तो आप अभी इस समय इनको जो है सीड लगा सकते हैं। दूसरा देखिए, मैंने लिया हुआ है ये गोल वाली जो लौकी होती है, F1 हाइब्रिड वेराइटी की मैंने ली हुई है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें जो कलर आता है वो बहुत अच्छा आता है, प्लस जो प्रोटीन होती है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो दोस्तों मुझे ये भी जो है 30 रुपीज़ का ही मिला है, और ये देखिए इसमें प्राइस 50 लिखा है, लेकिन मुझे जो है 30 रुपीज़ का ही मिला हुआ है। और देखिए ये दूसरी कंपनी का था, ये उस कंपनी का नहीं था। इसके सीड्स दोस्तों मुझे अभी तक अच्छा रिजल्ट मिला नहीं है, बट उसने कहा कि नहीं अभी ताज़े आए हैं। दोस्तों अगर आप अपने समर्स में कुछ ग्रीनरी चाहते हैं और अपने गार्डन को हरा भरा रखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इसको कोचिया को जरूर लगाइए। दोस्तों अगर आप उसमें नर्सरीज में जाते हैं, तो इसका एक प्लांट ही आपको जो है 30 से 40 रुपए का, आपको छोटा से छोटा भी 30 से 40 रुपए का मिलेगा, बड़ा जो होगा तो वो आपको 100 रुपए का मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप ग्रीनरी चाहते हैं, इसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, अगर आप केवल ग्रीनरी भर चाहते हैं, तो आप इसको जरूर लगाइए। आप एक ही, अगर आप अपने गार्डन में अगर एक ही लगा देंगे, अगर आपने गेट में अगर दोनों साइड एक एक रख दिए, तो दोस्तों आपका गार्डन का लुक ही चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आप, मैं इसको आपको इसको जरूर कहूंगा कि आप इसको जरूर, और इजी टू ग्रो दोस्तों, आप इसके सीड किसी भी पॉट में डाल दीजिए, वो इजी टू ग्रो हो जाता है। दोस्तों ये हमारा, हमने अफ्रीकन मारी गोल्ड येलो कलर वाला लिया है, और जो इसमें जो बड़े साइज का आता है ये समर्स वाला है। तो जो दोस्तों मैंने इसको लिया है, तो और देखिए दोस्तों, ये एक जिनिया की एक ये वाली वैरायटी है कि जिसमें ये कुछ जो है पिंक टाइप का जो है, ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हाँ पिंक टाइप का ये है, और ये भी मुझे 30 रुपीज़ का ही मिला है। तो दोस्तों इसके जो प्लांट्स हैं वो मैं सीड्स इसके ग्रो करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे इसमें फ्लावर्स आते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक ये बाविस्टिन लिया हुआ है, इसमें नीचे क्रिस्टल लिखा हुआ है, लेकिन क्रिस्टल नहीं है, एक्चुअली पाउडर वाला ही है, फंगीसाइड है दोस्तों, ये बायो फंगीसाइड होता है। और इसका जो मैनुअल इंस्ट्रक्शन है वो इसमें दिया हुआ है, रेट इसका 165 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे मिला ये दोस्तों 130 का। तो और देखिए इसमें जो डेट भी लिखी है 2023 तक की लिखी है, मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा है 100 ग्राम का पैकेट है, ये देखिए हमारा 100 ग्राम का पैकेट है, और इसको आप देखिए ये बायो फंगीसाइड है, देखिए इसमें ग्रीन लिखा हुआ है, जो आप केमिकल जो वो अगर आप यूज करते हैं तो उसमें रेड लिखा होता है, जैसे कि हमारा ये देखिए इसमें, ये देखिए ये रेड से यहाँ पे देखिए लेबल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा जो है बायो नहीं है, ये हमारा टोटल जो है केमिकल है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी इसको ऐसे ही यूज कर सकते हो, आप भी अपने समर्स के लिए गार्डन बनाइए। दोस्तों समर्स में ज़्यादातर परमानेंट प्लांट्स ही फ्लावरिंग करते हैं, सीजनल प्लांट्स बहुत कम ही होते हैं,
लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो आपको भर करके फ्लावरिंग देते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें तो आप गिलाड़िया लगा सकते हैं और कॉसमोस लगा सकते हैं। और दोस्तों परमानेंट प्लांट्स की भी मैं कोई एक वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन जो ये चीज़ें हैं इनको आप ज़रूर से ज़रूर ग्रो कीजिए, ये ईजिली मिल जाएंगी। तो होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।